أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 9 فيزيكس بیٹا فيزيكس میں آج ہم لوگ نومیریکلز کریں گے چیپٹر نمبر 7 کے چیپٹر نمبر 7 के न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके जो न्यूमेरिकल हमने करने हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 1, 3। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। आपके पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40, 10 एंड 5 सेंटीमीटर हैज अ मैस ऑफ, यानी ये जो आपको दिया गया ये इसका वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि आपके पास यहीं आपके ये आसान हो जाए। 40/100 मीटर, 10/100 मीटर एंड 5/100 मीटर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 0.4 मीटर और ये इससे कैंसिल तो ये 0.1 मीटर और यहाँ पर ज़ीरो कोई नहीं है तो ये इसी तरह आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम 0.002 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। और जो यहाँ पर मैस है वो क्या है, मैस इज इक्वल टू 850 ग्राम्स। तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 850 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, किलोग्राम में चला जाएगा ये इससे कैंसिल तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.85 किलोग्राम, ये मैस आ गया। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी के लिए हम लोग डी भी यूज करते हैं, रो भी यूज करते हैं। जो रो जो है वो ज्यादातर यूज होगा, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी के लिए जो आप लोगों का फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस आपके पास कितना है, 0.85 ओवर, वॉल्यूम कितना है, 0.002। इसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लें, 0.85 डिवाइडेड बाय 0.002, ये 425, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आपके पास, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप लोगों ने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल नंबर 3, इसके दो पार्ट हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसके आपके पास सॉरी 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें से कोई एक मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। सेकंड पार्ट इसका मैं करवा देता हूँ आपको, 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट
हैमिंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम, मैस है जी आपके पास 200 ग्राम। इस 200 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम्स में, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोग्राम में चला जाएगा, ये दोनों जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। मैस और डेंसिटी यानी रो आपको दिया गया है 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। मैस आपके पास है जी 0.2 और डेंसिटी है जी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.77 × 10⁻⁵ m³। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, ये आंसर है। और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय द थंब विद अ फोर्स। फोर्स आपके पास दे दी है आपको 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब हैमिंग कॉन्टैक्ट एरिया। एरिया बच्चों आपको दिया गया है, एरिया 1.5 cm², ठीक है। अब इसको हमने मीटर में करना है, स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 दफा 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये आपके पास जब आप इसको डिवाइड करोगे, 1.5 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ m², ये एरिया आ गया। और आपने इसका फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर का फार्मूला आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपके पास है जी 75 और 1.5 × 10⁻⁴। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास प्रेशर आ गया। इन न्यूमेरिकल्स को देखें, अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और इसके जो आपके पास मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं न्यूमेरिकल्स। बाकी जो इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो वो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें।